अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कंवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चले अब चलते हैं। मैं आपको आज बताने जा रही थी दराज सेलर का। दराज सेलर पे अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता तो उसको आपने कैसे प्रोसीड करना है। पहले आपने इधर गूगल पे जाना है, दराज सेलर लिखना है। दराज सेलर के बाद इसको करना है लॉगिन। एक्चुअली मेरा इधर लॉगिन था ऑलरेडी, तो इस वजह से ऐसे आया है। यहाँ पर करना क्लिक हियर, इसको आपने करना है क्रॉस। यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स पे क्लिक किया, ये आगे पेंडिंग ऑर्डर्स, इनको किया सेलेक्ट सबको। इसके बाद हमने करना है रेडी टू शिप। यहाँ पे इनवॉइस नंबर कोई सा भी आप दे दें, मेरे सेव इनवॉइस। रेडी टू शिप, मैं जस्ट शिपिंग लेबल निकालती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता, क्योंकि शिपिंग लेबल इधर से आपने कर लेना है। सेटिंग पे जाना है, मोर सेटिंग, फिटा पेपर। वैसे मैं तो कर लेती हूँ कस्टम, क्योंकि कस्टम पे थोड़ा हो जाता है, पेपर पे ये थोड़ा फिट नहीं बढ़ता। आप कर लीजिएगा कस्टम। कस्टम से आपने लेना है प्रिंट। जी आपका ये देखिए, अब इधर से मेरा रेडी टू शिप में आ गया एक, ठीक है। ये देखिए पेंडिंग में तीन, अब तीनों को मैं करूँगी सेलेक्ट, तीनों इनवॉइसेस को करूँगी प्रिंट आउट। जस्ट शिपिंग लेबल प्रिंट आउट लेंगे। इसको भी कस्टम पे जाके मैं कर लूँगी, कस्टम पे ऑलरेडी है। इन तीनों को लूँगी प्रिंट आउट, देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ जाता है, ठीक है, डन हो गया। अच्छा ये मेरे शिपिंग लेबल हो गए, रेडी टू शिप। ये रेडी टू शिप में आ गया मेरा। ये देखे इधर पहले आ रहे थे मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स में चार, लेकिन अब इधर आ रहे हैं दो, ठीक है। दो को मैंने रेडी टू शिप में कर दिया। यहाँ पे आगे आता है रेडी टू शिप है, यहाँ पे रेडी टू शिप आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है शिफ्ट, जब आप ये दराज आप पे जमा करवाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी में मेरे ऑलरेडी ये जो है वो डिलीवर हो चुके हैं सारे, ये वो वाले सारे आ रहे हैं। अगर आपका कोई कैंसिल हो जाता तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और या अगर आपका हो जाता है रिटर्न हो जाता है या फेल्ड हो जाता है तो वो यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब ये आगे हैं मेरे रेडी टू शिप में। अब रेडी टू शिप इधर से मेरा काम ख़त्म हो गया, इसको मैं करती हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद इधर से ख़त्म। अब बाकी का काम जो है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। उधर से जो मेरे प्रिंट आउट लिए थे ये मेरे पास रेडी पड़े हुए हैं। अब इनकी मैं करूँगी कटिंग, और कटिंग करने के बाद मैं फिर लगाऊँगी इसको पैकिंग में। ये मैंने सारे करके रख लिए हैं कटिंग, और अब इनको मैं करूँगी इसमें जैसे ये, इसको मैं लगाऊंगी इस पॉकेट में,
इसको लगाना है जी पॉकेट में इस तरह से, और इधर से आपने जस्ट आपने जो होती है जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको आपने डाल के और इसको ऊपर से ऐसे पैक कर देना होता है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने इसी में ही पैक करनी है। दराज़ वाले जो हैं उनकी ही पैकिंग चलती है। अगर आप कहें कि आपके पास पैकिंग नहीं है और आप किसी प्लेन जो आपकी पैकिंग है उसमें ऐड करके तो दे देंगे तो दराज़ वाले वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए आपको दराज़ की ही पैकिंग जो है ना वो ऑर्डर करनी चाहिए और हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा पैकिंग होनी चाहिए। और तो आज की हमारी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, और ट्राई मैं करूँगी कि मैं आपको दराज हब भी शो करवाऊँ जिस तरह से मैं जाके उधर मतलब के रख ये अपना पैकेट पार्सल देते हैं उधर। लेकिन मसला उधर ये होता है कि वहाँ पे बहुत लड़के खड़े होते हैं तो फिर थोड़ी सी ना वो फीलिंग्स जो होती हैं ना वो शाई हो जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और इसमें कुछ नया दिखाऊंगी मैं आपको, लाइक लेपर्ड के हो गए या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।